काय जानवर, लंबी सूंड वाला, लंबे दांत वाला, ऐसा नाम सुनकर आपके मन में एक विशाल जानवर की अनुभूति जरूर होती होगी। आपने ऐसे जानवर को देखा भी होगा, उसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन ऐरावत इस नाम को सुनकर आपके मन में सीधा स्वर्ग लोक की अनुभूति होती होगी। वास्तव में ऐरावत नाम इंद्र के हाथी का नाम है। देव तथा दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उनमें से एक था ऐरावत। पुराणों में ऐरावत का वर्णन मिलता है कि वह चमकता हुआ श्वेत वर्ण का, उसके 4 दांत हैं। रत्नों में बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्य युक्त दिव्य गुण वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। ऐरावत के और भी नाम हैं, अंग्रभंधमाण, अभ्रमातंग, ऐरावण, अभ्रभूभल्ल, श्वेत हस्ती, मल्लनांग, हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, श्वेत कुंजर, गजाग्रणी तथा नागमल्ल। उस हाथी का ऐरावत नाम ही क्यों पड़ा? ऐरावत का अर्थ है जल, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। पुराणों में ऐरावत नाग को भी कहा गया है। धृतराष्ट्र नामक एक नाग का पैतृक नाम ऐरावत था। महाभारत में भीष्म पर्व के 8 अध्याय में भारतवर्ष के उत्तर के भूभाग के उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है।